हेलो एवरीवन, दिस इज एग्रीय वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की बुक वॉल्यूम 1 का। सो आइए जानते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। चैप्टर को समझने से पहले हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे बेस स्टार्ट होती है स्पीशीज से, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिविजन, किंगडम और डोमेन। आज जिसके बारे में हम जानने वाले हैं उसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर है कि उसके एंड में ई आपको मेंशन्ड होगा। सो अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि ये फैमिली है या नहीं, सिंपली हमें चेक करना है ये तीन वर्ड्स को जो कि एंड पे अवेलेबल होंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हम फैमिली की बात कर रहे हैं। सो आज हम देखेंगे 15 फैमिलीज के बारे में, जैसे कि पोएसियाई है, जैसे हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं। इसमें आते हैं सीरियल्स, शुगर केन, नेपियर ग्रास, पैराग्रास, ग्रासेस जो हैं और सीरियल्स इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। फिर आती है लेग्यूमिनोसियाई, या फिर जैसे हम पैपलियोसियाई भी कहते हैं। इसमें आती है, इसे पी फैमिली भी कहा जाता है। इसमें आपकी पल्सेस आएंगी, लेग्यूम्स आएंगी, ग्राउंडनट है, सन हेम्प एक्सेट्रा, ये सब इसमें फॉल करेंगे। अगली आती है मस्टर्ड की फैमिली, जिसे क्रूसिफेरी कहते हैं। इस फैमिली में रेडिश है, केबेज है, कॉलीफ्लावर है, नॉलकॉल है, ये सारी वेजिटेबल्स इसमें आती हैं। फिर अगली फैमिली है कुकुरबिटेसी, इसको हम गार्ड फैमिली भी कहते हैं, गॉर्ड फैमिली भी कहा जाता है इसे। इसमें बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, कुक्यूम्बर, पम्पकिन, ये सारे वेजिटेबल्स बिलोंग करते हैं। अगली फैमिली है मालवेसियाई। मालवेसियाई होती है कॉटन की फैमिली। ये मैं आपको क्यों इम्पोर्टेंटली इस क्लास को बता रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कॉटन की कौन सी फैमिली है। सपोज अगर ऐसा आता है तो हमें आंसर टिक करना है मालवेसियाई। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी होने के लिए ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। तो कॉटन है, इसमें भिंडी है, रोजन है, सोलेनेसियाई। सोलेनेसियाई आलू की फैमिली है, मेजरली ब्रिंजल फैमिली भी कहा जाता है इसे। इसमें ब्रिंजल है, जितने पोटेटो, टोमेटो, टोबैको, चिली, ये सब इसमें फॉल करते हैं। फिर आती है टेलिएसियाई। टेलिएसियाई में हमारा जूट और फाल्स जैसे क्रॉप्स आते हैं। फिर आती है एस्टरेसियाई, इसमें इसे कंपोजिटे भी कहा जाता है। इसमें सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइजर, ये सब आते हैं। फिर आती है चीनोपोडी, चीनोपोडिएसियाई, इसमें स्पिनच है, शुगर बीट है, ये सब इसमें फॉल करते हैं। अब आता है पिडालिसिया, इसमें आता है सिसमम, जिसे हम सिसम कहते हैं, सिसमम भी कहते हैं। अब अगला है यूफोर्बिसिया, इसको कहते हैं कैस्टर, इसमें बिलोंग करता है, टपियोका इसमें बिलोंग करता है। फिर आती है कॉर्नवॉलिसिया, इसमें आता है स्वीट पोटैटो, पोटैटो आता है सोलानेसियाई में, कॉर्नवॉल में आता है स्वीट पोटैटो। अगला है अम्बेलिफेरे, अम्बेलिफेरे में आता है जिसमें अम्बेल शेप होती है। सिंपली इसको समझने के लिए जैसे कि आपका कोरिएंडर है, कैरेट के पत्ते हैं, ठीक है, कैरेट हो गया, क्यूमिन हो गया। एलिएसिया, इसमें आता है अनियन गार्लिक, अनियन गार्लिक की फैमिली को बिलोंग करता है। फिर आता है जिंजिब्रेसे, इसमें आता है आपका जिंजर और टर्मेरिक। मोस्टली हम जिंजिब्रेरिक को एक साथ ही यूज करते हैं, तो इसमें ये बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन के बारे में। स्पेशल क्लासिफिकेशन, अच्छा, सीरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी इसमें फॉल करते हैं जो कि हमने इस कैटेगरी में देखे थे। अब हम स्पेशल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। स्पेशल क्लासिफिकेशन में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की डिटेल्स में हम जाएंगे। अरेबल क्रॉप्स होते हैं इसमें। अरेबल क्रॉप्स कौन से होते हैं, जिनको प्रिपरेटेड टिलेज की जरूरत होती है। इनिशियल आपको प्रिपरेटेड टिलेज देना पड़ेगा, जैसे कि आपका पोटेटो है, टोबैको है, राइस है, शुगर केन है, मेज है, तो ये सभी अरेबल क्रॉप्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगला आता है आपका एलए क्रॉप्स। एलए इज लाइक रोज में जिनको लगाया जाता है। सिंपली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये वो क्रॉप्स हैं जो एलए या फिर पैसेजेस में लगाए जाते हैं, जो कि पैसेज कौन बनाता है, ट्रीज या श्रब्स बनाएंगे, जिनको स्टैब्लिश किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, प्रोडक्टिविटी पे काम किया जा सके। हल्का शेड टॉलरेंस और नॉन ट्रेलिंग हैबिट इसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं एलए क्रॉप्स के। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आते हैं आपके स्वीट पोटैटो, उरद है, टर्मेरिक है, जिंजर है, इनको पैसेजेस में लगाया जाता है जो कि रोज बनाते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस, सुपरबुल और केशिया जैसे प्लांट्स के लिए। अगला आता है ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स देखिए, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स का जो मेन हेडर है वो है कंपेनियन क्रॉप्स। कंपेनियन क्रॉप्स कौन से होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को जब सो करते हैं हम डिफरेंट रोज में, जैसे कि 6 से 8 रो अगर हमने कॉटन की लगा दी और 2 से 3 लाइन हमने तूर दाल की लगा दी फॉर एग्जाम्पल,
चार से छह रो हमने ज्वार की लगा दी, एक से दो लाइन हमने तूर दाल की लगा दी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन में जो लगाए जाते हैं एक साथ ही निकाला जाता है कंपेनियन क्रॉप्स। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं गार्ड क्रॉप्स, फिर आते हैं ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। गार्ड क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं हार्डी या फिर थॉर्नी क्रॉप्स के साथ अराउंड जो कि मेन क्रॉप है, जैसे कि आपका सेफ्लावर है या मिस्टा है, उसको लगा दिया ज्वार या वीट के साथ, ये है आपका गार्ड क्रॉप। अब आया ऑगमेंटिंग क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होते हैं? ये वो क्रॉप्स होते हैं जो ग्रो करते हैं सबसेट में ऑगमेंटिंग के मेंटेन करने के लिए मेन क्रॉप में, जैसे कि आपका ज्वार बाजरा है उसको हमने कर दिया काउपी के साथ, या सब इसको थोड़ा इजी भाषा में समझने के लिए इनको सप्लीमेंट करने के लिए लगाया जाता है यील्ड मेन क्रॉप की, जैसे कि जापानीज मस्टर्ड है इसको बरसीन के साथ, चाइनीज कैबेज है इसको मस्टर्ड के साथ। इस तरीके से ये हायर यील्ड देने में मदद करते हैं मेन क्रॉप की। अगला है एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू मतलब आप समझने की जरूरत, इसको एवेन्यू जनरली यूज किया जाता है फार्म की रोड्स में और फेंसेज में लगाने के लिए, जैसे कि सीसल है, क्लाइसिडिया है, या फॉर एग्जाम्पल अरहर भी है, अरहर की लेंस लगा दी। तो ये वो क्रॉप्स हैं जो कि अलोंग द फार्म रोड लगाए जाते हैं जनरली फेंसेस के फॉर्म में। अगला आता है बॉर्डर या फिर बैरियर क्रॉप। बॉर्डर क्रॉप का क्या काम है? ये वो क्रॉप है जो कि प्रोटेक्ट करती है दूसरी क्रॉप को ट्रेसपासिंग से एनिमल्स की, या फिर रिस्ट्रिक्ट करती है विंड की स्पीड को एक बॉर्डर बना के। उसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि चिकपी के फील्ड में आपने सेफ्लावर लगा दिया, थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप, तो उससे एक बॉर्डर या फिर एक बैरियर डेवलप हो गया। अगला आता है ब्रेक क्रॉप। ब्रेक क्रॉप क्या होता है? ब्रेक क्रॉप ब्रेक करता है, क्या ब्रेक करता है? कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है इकोलॉजिकल सिचुएशन की मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स में। इससे अगर कोई इनोक्युलम है, सॉइल बॉर्न हार्मफुल किसी भी बायोटिक एजेंट का, जैसे कि वीड है, पेस्ट है, पेस्ट वीड के सीड्स हैं, कोई भी सॉइल कंडीशन है जो कि क्रॉप के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए आगे के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको ये ब्रेक करता है। जैसे कि लेग्यूम्स लगा के राइस वीट इकोसिस्टम में इसने लेग्यूम्स लगा दिया। ऑल्सो ये क्या करता है? डेजिग्नेटेड इसको गार्ड करने के लिए क्रॉप को भी यूज किया जाता है। कैश क्रॉप हमें कैश देता है सिंपली, इसको कैश, इसको सेल करके हमें हार्ड कैश मिलता है, जैसे कि वो क्रॉप जैसे कि जूट, कॉटन, टबेको और शुगर के लिए। अगला आता है कैच या फिर कंटिंजेंट या फिर इमरजेंसी क्रॉप। इनको कल्टिवेट किया जाता है कैच करने के लिए आगे आने वाले सीजन अगर फेल हो जाते हैं तो ये छोटे ड्यूरेशन के होंगे, ठीक है, क्विक ग्रो करेंगे, फास्ट बिल्ड करेंगे, हार्वेस्टेबल और जनरली इजी होंगे टू यूज इन द टाइम जबकि हमें जरूरत है मेन क्रॉप के ग्रो करने की। तो इसमें आते हैं ग्रीन ग्राम, काउपी, अनियन, रेडिश जैसे क्रॉप्स। क्लीनिंग क्रॉप्स, क्लीनिंग क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कि फील्ड को क्लीन करने के काम आते हैं, जैसे कि पोटेटो है, मेज है। अगला है कोल क्रॉप। कोल जो वर्ड है कोल वर्ड से डिराइव हुआ है। कोल वर्ड एक एंसेस्टर होता है वाइल्ड कैबेज का, इसलिए जो भी कोल क्रॉप्स होते हैं एसेंशियली इन्हें कोल्ड वेदर क्रॉप्स कहा जाता है, क्रूसिफेरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था ये कैपेबल होते हैं फ्रॉस्ट को भी झेलने के लिए, तो इसमें आते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रूसल, स्प्राउट्स, ये सारे क्रॉप्स। अब आया कंटूर। कंटूर क्रॉप्स को लाइन में लगाया जाता है, कंटूर्स में लगाया जाता है ताकि लैंड को इरोजन से प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि मार्लिंग ग्रास फॉर एग्जाम्पल। अगला आता है कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप को भी कैश के लिए ग्रो किया जाता है, ये सेम ही है कमर्शियल और क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। जो कैश क्रॉप्स आर सर्टेनली कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि इसमें आता है जूट, कॉटन, टबेको, सेम। कवर क्रॉप्स से क्या करेंगे? सॉइल की सरफेस को कवर करेंगे, इरोजन से बचाएंगे, फोलियज को प्रोटेक्ट करेंगे, रूट मैट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि लोबिया है, ग्राउंड नट है, उड़द है, स्वीट पोटेटो है। इस तरीके से क्रॉप्स, सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, ये सप्लीमेंट करेंगे, इंटर क्रॉप करेंगे दूसरे क्रॉप के साथ, जैसे कि जवार है, लोबिया, जवार, इससे नाइट्रोजन मिलेगी लोबिया से और लोबिया को सपोर्ट मिलेगा जवार से, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। अगला आता है कम्पिटिटिव, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स तो हमने चाहिए हम देख लिए थे। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स हैं जो आपस में कॉम्पिटिशन देंगे ताकि एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे और सूटेबल एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे इंटरक्रॉपिंग के लिए, जैसे कि दोनों सीजन्स। सप्लीमेंट्री क्रॉप्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, ना हार्म करेंगे ना कम्पीट करेंगे, मेज और कुकुरबिट्स। जैसे अगला है एग्जॉस्टिव क्रॉप। इनको जब फील्ड एग्जॉशन हो जाता है
इसको ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको लगाने के बाद फील्ड में एग्जॉस्टन डेवलप हो जाता है, जैसे कि सीरियल, सीरियल क्रॉप्स, एनर्जी क्रॉप्स, ये ऑब्टेन करते हैं लिक्विड एनर्जी, जैसे कि इथेनॉल और एल्कोहल। एग्जाम्पल है शुगर केन, पोटेटो, मेज, टपियोका। अब आता है फाउलिंग क्रॉप्स। फाउलिंग क्रॉप्स होते हैं जब जिनकी कल्चरल प्रैक्टिस अलाउ करती है वीट को इंटेंसिवली हटाना, जैसे कि डायरेक्ट सीडेड जो अपलैंड राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल लेग क्रॉपिंग। अगला है लेग क्रॉपिंग। इसमें क्या है, कोई भी क्रॉप या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स को जब हम ग्रो करते हैं ग्रेजिंग के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए इमीडिएट, या फिर आगे आने वाले लाइफ स्टॉक के लिए, तो जैसे कि बरसीम को लगाया जाता है मस्टर्ड के साथ, इन्हें लेग क्रॉपिंग कहा जाता है। अगला है मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जिनको कंजर्व किया जाता है सॉइल मॉइस्चर को, और ये क्रॉप्स ग्रो करती हैं एज अ मल्च, मतलब कि सपोर्ट करती हैं। काउपी इसका एग्जाम्पल है। मल्च क्रॉप्स के बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला है नर्स क्रॉप्स। नर्स क्रॉप्स कौन सी होती है, नर्स करती है, नरिशमेंट देती है दूसरे क्रॉप्स को, या तो शेड प्रोवाइड करेंगी या क्लाइंबिंग स्टिक बन जाएंगी, जैसे कि पीज के केस में राई होती है, जवार के केस में काउपी के केस में जवार होता है। अगला है पायरा या फिर ल्यूटेरा क्रॉप्स। ये कौन से क्रॉप्स हैं, ये वो क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं कुछ दिन या कुछ हफ्तों में हार्वेस्ट से पहले स्टैंडिंग मेच्योर क्रॉप की, इन्हें पैरा यूटेरा क्रॉपिंग कहा जाता है, और इनको सो जब किया जाता है उसी टाइप के क्रॉप के साथ सो किया जाता है, जैसे कि लथाइरस को राइस में पैरा क्रॉपिंग सक्सेसफुल, और ये कंस्टिट्यूट करता है रनिंग क्रॉपिंग भी। पेयर्ड रो क्रॉपिंग सिंपल है, ईच थर्ड रो को रिमूव कर दिया जाता है और कोई दूसरा क्रॉप ग्रो कर दिया जाता है पैरेलल रो में। इससे क्या होता है, ड्राई लैंड को सुटेबिलिटी मिलती है, और ऑब्जेक्टिव इसका मेन होता है मॉइस्चर को कंजर्व करना। अगला है रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स है जो कि गुड हार्वेस्ट प्रोवाइड करती है अलोंग एनरिचमेंट के, जो कि मिलता है रिस्टोर करके सॉइल को, जैसे कि लेग्यूम्स को लगा के। अगला है रिपेरियन। रिपेरियन जो है ये वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें ग्रो किया जाता है इरिगेशन या ड्रेनेज चैनल या फिर वाटर बॉडीज के अलोंग वाटर वाइंड रूट, जैसे कि एग्जांपल है उनका मीसाक का, ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली इरोजन से सॉइल को। अगला है स्किप क्रॉपिंग। स्किप क्रॉपिंग में एक लाइन को अनसोन छोड़ दिया जाता है रेगुलर में सीरीज ऑफ सोइंग के, उसे स्किप क्रॉपिंग कहा जाता है। सिमिलर टू व्हाट पेयर जो क्रॉपिंग है उसमें भी हम स्किप कर रहे थे, बट इसमें हम नॉर्मली जो इसमें स्पेसिफिक नहीं है, उसमें हम थर्ड रो को रिमूव कर रहे थे, इसमें हम कोई भी स्पेसिफिक नहीं होते हैं। साइलेज क्रॉप्स इनको ग्रो किया जाता है एनिमल्स को देने के लिए, मेजरली साइलेज बनाया जाता है इससे लाइफ स्टॉक के लिए, जो कि काम आता है उनके ऐसे सीजन्स में जबकि क्रॉप नहीं होती है, जैसे कि कॉफी, जवार है, मेज का भी साइलेज बनाया जाता है। स्मूदर क्रॉप्स। स्मूदर क्रॉप्स क्या होते हैं, ये एबल होते हैं स्मूदर या फिर सप्रेस करने के लिए पॉपुलेशन और या फिर ग्रोथ जो भी हो रही है वीड्स की, या करके प्रोवाइड करके डेंस फॉलिएज, अच्छी खासी डेंस फॉलिएज प्रोवाइड करते हैं और क्विक ग्रोइंग एबिलिटी देते हैं। एग्जाम्पल है इसका काउपी या फिर मस्टर्ड। अगला है सॉइलिंग क्रॉप्स। ये ग्रो किए जाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए, जब तक ये ग्रीन ना हो जाए उसके बाद ये फीड किए जाते हैं लाइफ स्टॉक को, जैसे कि बरसीम या फिर नेपियर। अगला आता है ट्रे या फिर ट्रैप या फिर डिकॉय क्रॉप्स। ये क्या होते हैं, मेन क्रॉप लगाने के बाद इनको लगाया जाता है एजेस पे मेजरली, ताकि ये ट्रैप कर सके इंसेक्ट पेस्ट और सॉइल बॉर्न जो भी बायोटिक एजेंट है, जो कि हार्मफुल है, पैरासिटिक वीड है, बग्स है, इनको ट्रैप किया जाता है भिंडी के अराउंड या अराउंड कॉटन है, या फिर ऑरोबैन के जो वीड होती है उसको ट्रैप किया जाता है सोलनेसिया प्लांट्स के द्वारा, और स्ट्राइका को किया जाता है सॉर्गम के द्वारा। तो इस तरीके से ये ट्रैप करते हैं मेन क्रॉप को बचाते हैं। अगला है ट्रक क्रॉप। ट्रक क्रॉप सिंपली क्या है, इसको मार्केट में फ्रेशली भेजा जाता है, जैसे कि भिंडी, स्पिनच, जो भी वेजिटेबल्स होती है मोस्टली ट्रक क्रॉप में आ जाती है। अगला है वेयर क्रॉप्स। वेयर क्रॉप्स को टेम्पररी इनेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है वेयर हाउस में, ताकि फ्यूचर में यूज या फिर सेल किया जा सके, जैसे कि एग्जाम्पल है पोटेटो। ये एक जेनरिक क्लासिफिकेशन है जो कि इस बुक में ली गई है, तो मैंने आपको कोशिश करी है इसमें समझाने की चैप्टर को। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर समझना है आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है उसे दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।